तो हम वृषभ लग्न के विभिन्न भाव में बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे और अब तक हमने 10वें भाव तक चर्चा कर ली है। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके वृषभ लग्न की कुंडली में जब भी बृहस्पति आपके 11वें भाव में स्थित होते हैं तो ऐसे में बृहस्पति की महादशा के रिजल्ट आपके लिए कैसे रह सकते हैं। यहाँ अगर आपका वृषभ लग्न का चार्ट देखेंगे तो बृहस्पति आपके चार्ट में 11वें भाव में अपने खुद के ही घर मीन राशि में स्थित होंगे। इसके साथ साथ इनका जो दूसरा घर है आपके चार्ट में वो आपका 8वां भाव है। तो अब बृहस्पति की महादशा में ये निश्चित है कि आपको 8वें भाव और आपको ये 11वें भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको प्राप्त करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इन भावों से संबंधित आपका अगर लाइफ में कोई भी टारगेट है या कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा कम एफर्ट लगाना पड़ सकता है। बृहस्पति की ये स्थिति आपके गेन के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आपका विदेश से कोई भी संबंध है या आप विदेश में सेटल्ड हैं या विदेश यात्रा करते हैं बृहस्पति की महादशा के दौरान तो आपको विदेश से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। ऐसा बृहस्पति आपके वेल्थ एक्युमुलेट करेगा, आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कनेक्शन बनाएगा और जिन भी लोगों के साथ आपके कनेक्शन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगे आपके लिए। लेकिन यहाँ बृहस्पति का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप ज़्यादातर लोगों को पैसे वगैरह उधार दे देंगे या किसी की भी आप बिना स्वार्थ के सहायता कर देंगे, जिससे आपका जो एक नेचर है जो बहुत ही एक सीधा साधा नेचर सामने आता है कभी कभी, तो ऐसे में आपका जो भी पैसा आपने किसी की सहायता के लिए दिया है या कोई भी हेल्प आपने किसी की है वो हेल्प का आपको कोई भी वापस रिटर्न नहीं मिलेगा। तो बृहस्पति आपके इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो रेपुटेशन है, मान सम्मान है, उसको भी काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो दूसरे लोग हमेशा आपकी तारीफ करेंगे बृहस्पति की महादशा के दौरान। इस दशा के दौरान आपको आपकी एजुकेशन, आपकी संतान पक्ष और आपके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम पर आपको ध्यान देना चाहिए। बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज बनाने में मदद मिल सकती है। अब बृहस्पति का क्योंकि मूल त्रिकोण जो राशि है वो आपके 8वें भाव में पड़ रहा है, धनु राशि, तो इस हाउस से आप बहुत सारे गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बृहस्पति की महादशा अब डिपेंड करते हैं कि आपको हालांकि कौन सी एज में स्टार्ट हो रही है, क्योंकि 16 वर्ष की महादशा होगी, ये महादशा काफ़ी लंबी महादशा होगी तो ऐसे में आपकी एज का प्रभाव भी रहेगा। हालांकि हम एज के बारे में भी अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर प्लेसमेंट के हिसाब से बात की जाए तो 11वें भाव में ज़्यादातर बृहस्पति अच्छे परिणाम ही देते हैं और जब वो स्वराशि में स्थित हैं तो अब बृहस्पति यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। ऐसे में आप अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं धन वगैरह कमाने के लिए। अब यहाँ बृहस्पति आपकी पॉपुलैरिटी में और आपके मान सम्मान में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेंगे। इसके साथ साथ आपके नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देंगे। ऐसे में आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई भी पर्टिकुलर आप काम कर रहे हैं, अपना कोई भी प्रोफेशन है आपका, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेन होने की संभावना बनेगी और आपके प्रोफेशन की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान और पॉपुलैरिटी मिलेगी। बृहस्पति सबसे प्रमुख ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान के कारक होने की वजह से अब बृहस्पति की महादशा में आप जितना अधिक नॉलेज गेन कर सकें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको जो नॉलेज है 8th हाउस का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। आपको आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस पर भी ध्यान देना है और बृहस्पति आपको 8वें भाव के थ्रू काफ़ी ज़्यादा गेन करवा सकते हैं। ऐसे में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं बृहस्पति की महादशा के दौरान कि आपकी लाइफ में जो भी सडन चेंजेस होंगे वो मोस्टली आपके फेवर में होंगे। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है, देखिए क्योंकि बृहस्पति एक ड्यूअल प्लैनेट है, ड्यूअल प्लैनेट होने की वजह से यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं या चीज़ों को एक के साथ दो दिखाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज खोजने या एक से ज़्यादा किसी के साथ पार्टनरशिप करने में मदद मिल सकेगी। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से वास्तव में आपको आपके जीवन साथी से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकेगी और दूसरे लोगों से भी आपको काफ़ी ज़्यादा समर्थन और मान सम्मान मिल सकेगा। लेकिन अब आपके ज्ञान का महत्व यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बृहस्पति मुख्य रूप से आपके ज्ञान, आपके विवेक, आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। ऐसा बृहस्पति समय के साथ साथ जैसे जैसे दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप में ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योरिटी लाएगा, आपके नेटवर्क में या आपके सोशल सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को ऐसा बृहस्पति कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन आप अपने व्यवहार की वजह से, अपनी शालीनता की वजह से या अपनी विनम्रता की वजह से पहचाने जाएंगे। अगर यहाँ बृहस्पति सूर्य से संबंध बना रहे हैं, शुक्र से संबंध बना रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा धन लाभ होने की संभावना और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलने की संभावना बनेगी। बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह होने की वजह से यहाँ बृहस्पति आपको ज़्यादातर फायदा ही करेंगे।
अब यहाँ बृहस्पति अगर वक्री हो गए हैं तो वक्री होने के केस में आपको धन अर्जित करने में कठिनाई हो सकती है, या फिर आपको जैसा नॉलेज है, जिस हद तक आपको ज्ञान है या जैसा आपका ज्ञान का स्तर है, वो स्तर आप कभी कभी मेंटेन नहीं कर सकेंगे, या खुद के ज्ञान का आपको खुद को ही फ़ायदा नहीं होगा बल्कि दूसरे लोगों को आप काफ़ी अच्छे से गाइड कर देंगे या दूसरे लोगों को काफ़ी अच्छे एडवाइस दे देंगे, बट खुद के लिए आप बृहस्पति का जो आपको नॉलेज जो मिला है उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो ये थोड़ी सी आपको कमी नज़र आ सकती है बृहस्पति के वक्री होने के केस में। अब बृहस्पति यहाँ स्थित है तो आप हमेशा अपने धन संबंधी मामलों में बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होंगे और काफ़ी अच्छे से आप सोच समझकर काम करने वाले होंगे। अब बृहस्पति आपके चार्ट में, क्योंकि इस हाउस का तो वो स्वामी हैं 11वें के, तो 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको आपके ससुराल पक्ष से फ़ायदा होना, आपको माता पिता से धन संपत्ति में फ़ायदा होना, या किसी भी प्रकार का आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करना है या ऐसा कोई डिसीजन लेना है लाइफ में, कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप करने जा रहे हैं, तो उससे आपको गेन होने की संभावना बनेगी। जैसे जैसे बृहस्पति की महादशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप धन का महत्व समझेंगे, आप इन्वेस्टमेंट का महत्व समझेंगे और अपनी लाइफ को आप एक बहुत ही स्थिर लाइफ के तौर पर देखेंगे आर्थिक रूप से। तो आर्थिक रूप से ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का ज़रूर काम करेगा। अब यहाँ पे किसी भी अन्य ग्रह का अगर बृहस्पति पर प्रभाव है तो आपको उस ग्रह को देखना चाहिए। अगर मंगल का प्रभाव है, अगर शुक्र का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, तो ऑलमोस्ट आपको परिणाम काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अब लेकिन बृहस्पति की सबसे पहले हम दृष्टियों की बात भी कर लेते हैं। दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले ये आपके तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। तीसरा भाव इनका उच्च का भाव है। ऐसे में बृहस्पति आपकी जो कनेक्टिविटी है लोगों के साथ वो काफ़ी अच्छे करने का काम करते हैं, क्योंकि ऐसे में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे बृहस्पति। इसके साथ साथ आप में ज्ञान अर्जित करने की जो भूख है उसको बढ़ाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने, किसी भी प्रकार का ऐसा काम जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकें, मान सम्मान अर्जित कर सकें, उसमें बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल देंगे, इधर उधर की यात्राएँ देंगे, इवन विदेश यात्रा भी आपको दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आपका चार्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पे बृहस्पति जब भी थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो ये आपके स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप कोई भी प्रकार से राइटिंग या ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं, कोई भी प्रकार से आप इमेजिनेटिव काम ज़्यादा करते हैं या आप अपनी इमेजिनेशन का ज़्यादा उपयोग करते हैं किसी भी काम में, ऐसे कार्यों के लिए बृहस्पति का सपोर्ट आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ, भाई बहनों के साथ अच्छे संबंधों को दिखाते हैं और आप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। पर वास्तव में आप हमेशा बृहस्पति की महादशा के दौरान आपके 8वें भाव से संबंधित जिम्मेदारियां और आपके 11वें भाव से संबंधित जिम्मेदारियां बहुत ही ज़्यादा लेने का प्रयास करेंगे और इसमें आप सफल भी होंगे। अब तीसरे भाव पर जब बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसे में ऐसा बृहस्पति आपको बिजनेस माइंडेड बना सकता है, बिजनेस करने के लिए एक अच्छी सोच दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शालीन बना सकता है, बहुत मेहनती बना सकता है और आपकी एबिलिटी में वृद्धि कर सकता है आपके ज्ञान को इम्प्रूव करके। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके 5th हाउस पे। 5th हाउस पे जो इनकी दृष्टि पड़ रही है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बृहस्पति अब आपकी सोच को परिवर्तित करने का काम करेंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप किसी भी प्रकार की स्थिति में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आगे निकल जाएंगे। बृहस्पति की ये दशा आपकी सोच को बहुत ज़्यादा सकारात्मक बनाएगी। आपके लिए ऐसा बृहस्पति कुछ नए अवसर खोजने का प्रयत्न करेगा। ऐसे में आपको हर अवसर का लाभ उठाना सीखना चाहिए। बृहस्पति की इस दशा के दौरान आप ये देखेंगे कि आपके विचारों में सडनली परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहे किसी भी प्रकार का काम करें या चाहे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना होगा। जितना अधिक आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना अधिक आप रिस्क ले सकेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। ऐसा बृहस्पति जब 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है तो आपको शेयर मार्केट वगैरह से या जो सेफ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं उनसे आपको धन रूपी लाभ होने की संभावना बनेगी। ऐसा बृहस्पति संतान उत्पत्ति दे सकता है, संतान के साथ बहुत ही बेहतर कनेक्शन दे सकता है, लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दे सकता है। इसके साथ साथ आपके इमोशनलिटी को कहीं ना कहीं बृहस्पति प्रभावित करेगा और आपको माइंड से काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बनाएगा, एक बहुत ही मैच्योर इंसान के तौर पर बृहस्पति आपको दिखाएगा। तो पंचम भाव पर इनकी दृष्टि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अब अगर यहाँ बृहस्पति वक्री होकर फिर अगर बैठें 11वें भाव में और तब अगर दृष्टि पड़ रही है 5th हाउस पे, ये थोड़ा सा आपको संतान की चिंता ज़्यादा देगा। एजुकेशन में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं या एजुकेशन ग्रहण करने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क या मेहनत करने की
की आपको जरूरत पड़ेगी। बृहस्पति का ये एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपकी सोच में धीरे धीरे बदलाव लाएगा। जैसे जैसे बृहस्पति की महादशा आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी सोच ज़्यादा पूर्ण होती चली जाएगी। तो ऐसे में आपको लेटर एज में ऐसा बृहस्पति ज़्यादा फायदा दे सकता है, ज़्यादा लाभ दे सकता है या ज़्यादा आपको नेम फेम दे सकता है। अब उसके बाद बृहस्पति की जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो आपके सेवंथ हाउस पे पड़ेगी। ये दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि देखिए बृहस्पति आपके सातवें भाव और आपके ग्यारहवें भाव दोनों को ही यहाँ कनेक्ट करने का काम करेंगे, और यहाँ सातवें भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। ऐसे में अपने मित्र के घर पर जब ऐसे में बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो आपके लोगों के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। आप कोई भी प्रकार से सोशल सर्विस से जुड़े हो सकते हैं, जहां पर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, कोई भी ऐसी सर्विस जिसमें लोगों को आपातकालीन स्थिति में आवश्यकता पड़ सकती है। इसके साथ साथ बेहतर आप मैनेज कर सकेंगे अपने कार्यों को और आप कोई भी बिजनेस कर सकेंगे। बिजनेस में आप ज़्यादातर ऐसा बिजनेस जो ज्ञान से संबंधित हो, जिसमें अपनी मेंटल स्किल या मेंटल एबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा यूज होती हो। ऐसा बृहस्पति आपको धन को लेकर एक स्पेशल समझ आप में डेवलप करेगा और धन के मामलों में, इन्वेस्टमेंट के मामलों में आप दूसरे लोगों को काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकेंगे। तो बृहस्पति का ये जो सातवें भाव पर दृष्टि है ये आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनाएगा। आपके ज्ञान की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी समाज में। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको पब्लिक लाइफ से जोड़ सकता है, आपको पब्लिकली काफ़ी ज़्यादा फेमस बना सकता है। अब यहाँ पर आ जाता है आपके जो आपकी एज है उसके हिसाब से बृहस्पति के रिजल्ट अगर हम देखें तो कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये महादशा लगभग 15 साल की एज तक अगर स्टार्ट हो जाती है कम से कम, तो ऐसे में ऐसा जो जातक होगा वो कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने, कुछ नया सीखने के प्रति बहुत अलर्ट रहेगा, क्योंकि बृहस्पति तीसरे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं और फिफ्थ हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में छोटी आयु में जातक को ज़्यादा मेहनती बनाते हैं, ईमानदार बनाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाते हैं, और जातक हमेशा अपनी जो भी बात होगी वो किसी के भी सामने रख देगा और थोड़ा सा बोलने में बेबाक होगा। बृहस्पति का यहाँ पे होना आपकी छोटी आयु में आपको एजुकेशन ग्रहण करने में, ज्ञान को ग्रहण करने में और अपने आप को शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाने में मदद कर सकेगा। साथ साथ में आपका जो संबंध है कहीं ना कहीं चैरिटी से, स्पिरिचुअलिटी से, ऐसे कार्यों से ज़रूर हो सकता है। अब मान लीजिए किसी जातक को ऐसी दशा 25 से 30 साल की आयु में अगर स्टार्ट हो रही हो, तो ऐसे में ऐसे जातक के पास कैरियर में बहुत कुछ करने के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको कैरियर में बहुत सारे नए ऑप्शंस दे सकता है। वो ऑप्शंस आप अपनी एबिलिटी या अपनी क्षमता के बल पे क्रिएट कर सकेंगे। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम देगा, लेकिन आपको समय के साथ साथ ऐसा बृहस्पति बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे आप अपने धन को कमाने में या धन को अर्जित करने में काफ़ी आसानी महसूस कर सकेंगे। अब आपका अगर यंग एज में ऐसी दशा आती है तो आपके लिए आपकी क्वालिफिकेशन, आपको जो व्यवहारिक ज्ञान है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब मान लीजिए कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये महादशा लगभग 50 की एज में या 45 की एज में अगर स्टार्ट हो रही है, तब आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप धन अर्जित कर सकेंगे। आप शेयर मार्केट वगैरह या कोई भी ऐसा स्टेबल काम करेंगे जिससे आपको रेगुलर इनकम होती रहे। तो ऐसा बृहस्पति आपके नेम फेम में ज़्यादा वृद्धि करने का प्रयास करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाएगा, क्योंकि आप जो पास्ट में जो काम कर चुके हैं कहीं ना कहीं आपकी पॉपुलरिटी उन कामों से भी डिसाइड होगी। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप ये जो बृहस्पति की महादशा है उससे पहले आप राहु की महादशा को भोग कर आए हुए होते हैं, तो आप राहु के जो एक्सपेक्टेशन है आपको महादशा के दौरान, वो बहुत सारी ऐसी इच्छाएं या अभिलाषाएं जो कि राहु दशा में आपकी पूरी नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा अधूरी रह जाते हैं, तो वैसे की वैसे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो जब गुरु की महादशा स्टार्ट होती है तो आप उसमें वहाँ एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तो ये आप ना करें, इससे आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा, आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। बल्कि कभी कभी ये देखने को मिला है कि बृहस्पति अगर थोड़ा कमज़ोर है आपके चार्ट में या बहुत ज़्यादा बलाबल के साथ नहीं बैठा है और राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो आपको जो राहु जो कुछ दे सकता है वो आपको बृहस्पति बिल्कुल नहीं दे सकते। बृहस्पति की महादशा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदार बनने की कोशिश करनी पड़ेगी और वैसा का वैसा आपका जो जीवन होगा वो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कुछ हद तक जो बृहस्पति है वो लगभग आपको एक साल के बाद ही अपना पूर्ण प्रभाव देते हैं, अगर राहु ज़्यादा पावरफुल है और बृहस्पति अगर उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो आपके चार्ट में। इसके साथ साथ क्या राहु का संबंध बृहस्पति से है? अगर राहु का संबंध बृहस्पति से है तो ज़रूर आप वो वाले रिजल्ट जो कि आप राहु महादशा में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ हद तक।